स्टूडेंट एक्सरसाइज 9B क्लास 7th का एक क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम आपके साथ 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इफ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच। इसे बहुत अच्छे वे में आप कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है रेशियोज के आधार पर है, 48 मैन 14 डेज, और यहाँ पर 28 मैन एंड डेज आपसे पूछा गया है, तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपने ले लिया डेज और हो गया नंबर ऑफ मैन। 48 men can dig a trench in 14 days. How long? Then 28 men x. अब देखें, अगर men ज्यादा होगा, men power ज्यादा होगी तो days क्या होगा, कम लगेगा। men power कम होगी तो days ज्यादा लगेगा। तो ये हो गया बेटा आपका inverse proportion। क्या कहते हैं इसे, inverse proportion। देन आप यहाँ पे लिखेंगे 48 अपॉन 28 इक्वल टू x अपॉन 14। 28 की मल्टीप्लाई आप x से कर दें, 14 की मल्टीप्लाई आप 48 से कर दें। x इज इक्वल टू 14 मल्टीपल बाई 48 अपॉन 28। 14 टू जा एंड 2 जा 24 जा, तो ये हो गया 24 डेज। इस वर्क को 28 मैन कितने डेज पूरा कर लेंगे, 24 डेज में पूरा कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज, हाउ मेनी मैन। तो लेट द नंबर ऑफ मैन बी इक्वल टू एक्स। आपने यहां पर मैन अप्लाई किया और ये आ गया बेटा यहाँ पर डेज। 30 डेज होते हैं तब वर्क करते हैं 16 में। अब कहता है मुझे 24 डेज में वर्क करना है, तो कितने हो जाएंगे x, जब डेज कम था तो मैन, डेज ज्यादा तो मैन कम, और डेज कम तो मैन ज्यादा हो जाएंगे। तो यह हमारा बन जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इस इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे 30 अपॉन 24 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16। याद रखिएगा एरो वाला पॉइंट हमेशा ऊपर रहेगा। देन 24x 16 मल्टीपल बाय 30, सो एक्स इज इक्वल टू 16 मल्टीपल बाय 30 अपॉन 24। 4 6 जा 4 4 जा 6 5 जा एंड 4 की मल्टीप्लाई 5 से करें, तो 4 5 जा 20 मैन। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी कर लें, इसके सॉल्यूशन को अच्छी तरह समझ लें, कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन में आपका है कि यहाँ पर 45 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 30 डेज, How many cows will graze the same field in 9 days? तो मुझे क्या बताना है, ये कह रहा है कि 45 cows हैं किसी फील्ड को 13 डेज में चर जाते हैं, ग्रेज करते हैं। कहता अगर मैं 9 डेज के लिए करूं तो मुझे कितने cow को अप्लाई करना पड़ेगा। तो let the number of cows be equal to x। हो गया यहाँ पे काउज और हो गया बेटा यहाँ पर डेज, ठीक। 13 डेज के लिए था तो 45 काउज जाते थे, अभी हमें 9 डेज में फिनिश करना है उस फील्ड को, तो क्या होगा। तो जब हमने 13 डेज में लगाया तो 14 काउ अप्लाई हो गए। अब आपको बताना है कि 9 डेज, बहुत दिन को कम करना है, जैसे डेज आप कम करेंगे तो नंबर ऑफ काउज आप बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो क्रिएशन होगा वो ये बनेगा और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में 13 अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 45। फिर क्या करिएगा, 9x इज इक्वल टू 13 मल्टीपल बाई 45।
then x is equal to 13 multiple by 45 upon 9. 9 1 9 5 जा 13 5 जा 65. यदि उस फील्ड को 9 काउस के 9 डेज में ही फिनिश करना है उसके ग्रास को, तो मुझे उसमें कितने काउ अप्लाई करने पड़ेंगे? 65 काउस को अलाउ करना पड़ेगा टू बी ग्रेज चरने के लिए. क्वेश्चन है 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज. अगर 16 हॉर्सेस को किसी कॉर्न कहते हैं अनाज को खाने के लिए दिया गया तो 25 डेज चलता है. कहता अगर मैं 40 हॉर्सेस को अप्लाई करा दूं उसी कॉर्न को तो कितने दिन तक वो चलेगा? तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी इक्वल टू एक्स. आपने कर दिया डेज और ये हो गया हॉर्सेस. ठीक, अभी देखिए 16 हॉर्सेस थे 25 डेज के लिए एनफ था. अगर मैं वहां पर हॉर्सेस के नंबर्स को बढ़ा दूं तो कितने दिन के लिए अप्लाई होगा? तो ये बेटा ये ज्यादा हो गया. देखो जब कम हॉर्सेस थे तो ज्यादा डे चला है ना. एरो के डायरेक्शंस अलग अलग हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन है. अब यहां से आप ले लें 40 अपॉन 16 इज इक्वल टू 25 अपॉन एक्स. जब हॉर्सेस कम थे तो डेज ज्यादा था, हॉर्सेस ज्यादा होंगे तो डेज कम हो जाएगा. देन अब आपने यहाँ पर लिया 40x 10 मल्टीपल बाय 25. 10 मल्टीपल बाय 25 अपॉन 40, जीरो से कैंसिल कर दिया आपने. अब कितना जाएगा भाई यहाँ से 40 अपॉन 16 यहाँ पर ये 16 हो जाएगा. और ये नंबर आपका यहाँ पर 16 है और ये 40 है. क्या करिएगा 4 4 जा 4 10 जा 4 4 जा 2 2 जा 2 5 जा एंड 5 5 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो यहाँ पर आएगा 10 डेज. अगर मैं उसमें 40 हॉर्सेस को भेजता हूँ तो जो कॉर्न है वो 10 डेज तक ही चल पाएगा. इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें. इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था वैसा हम करेंगे. पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छी तरह से आप समझ लें. स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग करेंगे. बाहर साथ थोड़ा आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की, आप इसे डिस्टर्ब ना हो, आप केवल मेरी आवाज़ को सुने. क्वेश्चन है A girl can finish a book in 25 days if she read 18 pages of it every day. How many days will she take to finish it if she read 15 pages per day? कोई गर्ल है और वह 25 डेज में किसी बुक को फिनिश करती है पर डे 18 पेजेस रीड करती है. तब यदि वह 15 पेजेस पर डे रीड करे तो उसको कितना डे लगेगा? देखिए जब पहले उसने क्या किया 18 पेजेस पर डे रीड कर रही थी तब उसने लिया था 25 डेज फिनिश करने में. अब आप देखिए 15 पेजेस कम हो गए तो इसका मतलब डेज बढ़ेगा. इस क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे? आप यहां लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बी इक्वल टू एक्स. यहां पर आप डेज मेंशन कर दें और पेज पर डे. अब देखिए पेज पर डे है 18 पेजेस तक 25 डेज हुआ. अब ये पेज नंबर कम कर दिया गया तो एक्स हो जाएगा. जब पेज पर डे था तो डेज कम हो जाएगा और जब ये कम हो जाएगा तो यहाँ पे डेज ज्यादा हो जाएगा. तो एक एरो ये हो जाएगा और ये इस हो जाएगा. अब क्या करिएगा? अब लिखेंगे आप 18 अपॉन 15 और x अपॉन 25. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15x एंड 25 मल्टीपल बाई 18. देन x इज इक्वल टू 25 मल्टीपल बाई 18 अपॉन 5. 3 जा 5 5 जा एंड 3 6 जा. इस 5 की मल्टीप्लाई 6 से करो तो 30.
30 डेज। जब 18 पेजेस पर डे पढ़ता था पढ़ती थी वो लड़की तो 25 डेज लेती थी। यदि वो 15 पेजेस पर डे पढ़ना शुरू करे तब वह उस बुक को 30 डेज में फिनिश कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता टाइप 40 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक 24 मिनट। यदि वो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइप करती है तो 24 मिनट में किसी डॉक्यूमेंट को फिनिश कर देती है। अब आपको बताना है, गीता है, गीता की टाइपिंग स्पीड 48 वर्ड्स पर मिनट है तो ये कितना टाइम लेगी उसी डॉक्यूमेंट को फिनिश करने में। तो लेट द टाइम बी इक्वल टू एक्स मिनट राइट, देन टाइम, टाइम किसमें है मिनट में है, और पर मिनट वर्ड्स, तो यहां पर जाएगा वर्ड्स, वर्ड्स पर मिनट, वर्ड्स पर मिनट। देखो 40 वर्ड्स पर मिनट है तो टाइम हुआ 24 मिनट। अब अगर ये 48 वर्ड्स टाइप करे तो कितना हो जाएगा, जब वर्ड्स कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेंगे, जब वर्ड्स ज्यादा हो जाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। यहां पर आपके पास ये आ गया और ये इसके डायरेक्शन अलग अलग हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे, अब आप लेंगे यहाँ पर 48 अपॉन 40 इज इक्वल टू 48 एंड यहाँ पर होगा 24 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 48x हो जाएगा 40 की मल्टीप्लाई 24 से, देन x 40 मल्टीपल बाय 24 अपॉन 48, 24 वन जा टू जा एंड इसको डिवाइड करें तो 20 एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 20 मिनट्स। जब उसका वर्ड बढ़ जाएगा तब वह डॉक्यूमेंट्स 20 मिनट में ही टाइप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।